हेलो साथियों, ये है मेरे पापा का फार्म हाउस। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज आए हैं हम मेरे पापा के फार्म हाउस पर, तो बताएंगे आपको किस तरह का है ये। तो आगे वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है केले का पेड़, ये है संतरे का पेड़ जिसके अभी फूल आ रहे हैं। तो देखो इस तरह का होता है ये पेड़। और इसके जस्ट आगे है आम का पेड़। तो ये है आम का पेड़। और इसी के पास ये अंगूर की बेल भी है। आम का पेड़ इस तरह का होता है, इसके अभी फूल आ रहे हैं। ये है नींबू का पेड़ जिस पर अभी खिचड़ी भी आ रही है, और कुछ कुछ नींबू है तो वो पके हुए भी है, जिस पे देखो ये लग रहा है नींबू। और इसी के जस्ट पास में मीठी नीम यानी जिसे कड़ी पत्ते बोलते हैं उसी का पेड़ है। ये हमारे नोरे में रचका वो रखा है जो गाय भैंस के लिए काम आता है। इसी के पास ये अमरूद का पेड़ भी है, और इसके साथ नींबू का पेड़ भी है। ये है नींबू का पेड़ जिस पर नींबू लगे हुए हैं। ये है पपीता का पेड़। यही नींबू के पेड़ के बीच में आम का पेड़ भी है, छोटा सा पौधा है।
वो दूर हमारे पानी का बोरिंग है जहाँ से हमारे यहाँ पिलाई हो रही है, इसमें पिलाई कर रहे हैं और ये मेरा भाई है। तो ये पिलाई हो रही है पानी की, इसमें क्या बो रखा है वैसे पूछते हैं। चलो तो इसमें क्या बो रखा है? इसमें ज्वार मेथी सब मिक्स में बो रखा है। अच्छा, तो ये देखो पाइपलाइन बिछा रखी है और इस तरह से हमारे यहाँ खेत में पिलाई करते हैं। तो ये पिलाई हो रही है। बताते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी की सुविधा कहाँ से हो रही है। तो ये पानी यहाँ से जा रहा है, इससे जहाँ से पिलाई कर रहे हैं, और ये पानी हमारे बोरिंग से उपलब्ध हो रहा है, बोरिंग करवा रखा है। ये है हमारे पापा का फार्म हाउस, इस तरह का सीन है। ये है बांस का पेड़ जो इस तरह का होता है। ये है मिर्ची का पौधा जिसमें मिर्ची लग रही है, और ये है बैंगन। जिस पर फूल भी आ रहे हैं तो कई लग भी रहे हैं। और ये है पपीता। ये काश्मीरी घास है। ये है गुंदे का पेड़ जिसका हम अचार डालने में काम में लेते हैं। हेलो साथियों, तो ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर। हेलो दोस्तों, तो तुझे यहाँ मतलब कृषि फार्म में आने पर कैसा फील होता है? ये मेरे पापा का कृषि फार्म है, जहाँ आने से मुझे सुकून मिलता है, बहुत सारी खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा।